अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शकील भट्टी, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको दिखाने लगा हूं यहां पे जो है, क्या नाम है उसका, रिवर सैन लॉरा, और उसकी खूबसूरती दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, आपको दिखा रहे हैं वीडियो के साथ, आपको इसकी व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये है नेम, यहाँ पे मैं आया हूँ, पॉइंट व्यू। ये हिंदी ब्रोसा से आता है और ये ब्रिज है पॉइंट व्यू, लवाल को जाता है, ठीक है। तो इसकी खूबसूरती आपको दिखाते हैं रिवर की, जिसे सैन लॉरा रिवर भी कहते हैं। और आपको दिखाते हैं ऊपर से, ये से देखें, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है। और इस साइड पे जाएं तो आप मॉन्ट्रियल की साइड को जा सकते हैं, ठीक है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं और भी आपको नई नई चीज़ें जो इसकी पॉइंट व्यू के ऊपर, जो ब्रिज के नीचे रिवर है और उसकी खूबसूरती, वो दिखाते हैं आपको। मैंने कहा छोटी सी वीडियो आपको बना के दिखा दें, ये पॉइंट व्यू की जो ब्रिज है खूबसूरती कनाडा मॉन्ट्रियल की। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो खूबसूरती होती है उसकी आखिर में नज़र आती है। क्योंकि शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि ऐसे ही है वीडियो, मगर जब आप कंटिन्यू उसको देखते हो ना, तो उसके व्यू बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो व्यू ही मैं आपको दिखाता हूँ ज़्यादातर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। वो देखें व्यू कैसा ज़बरदस्त व्यू है। ये ब्रिज है, मैं ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहा हूँ, और ये इसका नीचे का हिस्सा है, ये पार्क है, नीचे पार्क है और लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं पार्क के अंदर। और मैं आपको ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ, ब्रिज के ऊपर ऊपर तो दिखा रहा हूँ मैं ब्रिज भी आपको साथ साथ। देखिए कैसा ज़बरदस्त ब्रिज है। और वो देखें नीचे, नीचे जो है ना, अभी आपको ले कर जाऊँगा, वो नीचे का हिस्सा है, लोग वहाँ पे बैठ के रेस्ट भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो देखते चले जाइएगा मेरे साथ साथ वीडियो को और एंजॉय ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं नीचे का हिस्सा, ये देखो, ये आपको आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी डिफरेंट, क्योंकि माइक के अंदर आवाज़ जो विंडी बहुत ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे, तो विंडी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये देखें जी, ये सारा सैन लॉरा रिवर है, तो इसकी आपको दिखाते हैं ब्यूटी। वो सामने जो है ना, वो चर्च आपको नज़र आ रहा होगा, वो जो चर्च है ना, वो विजिटासियों चर्च है, उसको विजिटासियों चर्च कहते हैं। और ये बाईसाइकिल वाली लाइन है, यहाँ पे बाईसाइकिल वगैरह चलाते हैं लोग, ये बाईसाइकिल की लाइन होती है अलग से ना। ये देखें जी, ये देखें सैन लॉरा रिवर आपको एंजॉय करवा देंगे। ये देखें, देखें जी कैसा खूबसूरत ब्यूटीफुल सैन लॉरा रिवर। वो एक दूसरा ब्रिज है वो आगे करके, देखें वो, देखें ब्यूटी इसकी। ये लोगों के घर हैं इसके पीछे, साथ साथ लोगों की अपनी वो बोट भी होती है, छोटी बोटिंग करते हैं ना, वो बोट वगैरह भी होती है, पीछे को खड़ी कर देते हैं पार्क अपने घर के पीछे। ये देखें क्या ज़बरदस्त मंज़र है सैन लॉरा रिवर का, देखेंगे कैसा ज़बरदस्त मंज़र। एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। और देखें मज़ा आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना रिवर को, सैन लॉरा रिवर। ठंडी लग रही है थोड़ी सी ना ऊपर ब्रिज के ऊपर। ये देखें जी, ब्रिज के ऊपर लिखा हुआ है वो साइन, रेड साइन के साथ लिखा है,
हो सकते, राइट लाइट जब रेड होती है ना तो उसके ऊपर आप टर्न नहीं हो सकते, मगर लवाल के अंदर आप टर्न हो सकते हैं। अगर रेड लाइट भी हो तो आप राइट की साइड पे आप टर्न हो सकते हैं, ठीक है ना जी। दोस्तों पहले हम ब्रिज के ऊपर थे, अब हम ब्रिज के नीचे आ गए हैं। ये देखिए नीचे से मैं दिखा रहा हूँ आपको ब्रिज का ऊपर का हिस्सा। देखें पहले मैं ऊपर खड़ा हुआ था, तो ये है ब्रिज के नीचे वाला हिस्सा। ये लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, देखें कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, इंजॉय कीजिएगा मेरे साथ। आपको आगे दिखाते हैं और भी कि लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं रिवर के नज़दीक बैठ के, बेंचेस लगे हुए, लोग वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे ये सीट्स भी बनी हुई हैं, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आप। ये देखिए वो सीट्स लगी हुई हैं, ये पॉट गमले जिसे कहते हैं, ये बड़े बड़े गमले उन्होंने लगाए हुए हैं। ये टेम्परेचर देखने का कितना टेम्परेचर है, ये देखें देखें लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बस दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये भी पार्क है छोटा सा, सारी एक टिकट में तीन तीन मज़े, पानी, एंजॉय, पार्क, हर चीज़ देखें आप लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये देखें ये सीट्स बनी हुई हैं बैठने की और लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना मील खाना खा रहे हैं। देखें खूबसूरती, ये देखें ये रिवर है, ये रिवर है, लोग अपनी अपनी सीट्स लगा के बैठे हुए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी ये देखें कैसे सीट्स लगी हुई हैं, ये सीट्स लगी हुई हैं लकड़ी की, जो आप टेक लगा के आराम से सोफे की तरह बैठ सकते हैं। तो ये देखिए एंजॉय करें जी हमारे साथ। ये देखें ये सीट्स लगी हुई हैं, वो देखें वो सीट्स लगी हुई हैं, आराम से बैठ के आप एंजॉय करें। ये देखें ये देखें ये देखें रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर के नज़दीक बैठ के लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैसे लोग लकड़ी की सीटें जो होती हैं जैसे बना होता है कि उसके ऊपर बस टेक लगा के बैठ के अपना सनशाइन ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सनशाइन को। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखें, एंजॉय करें, एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको एंजॉय मिलेगी पूरी वीडियो की। तो ये देखें मैं अब नीचे आ गया हूँ रिवर के पास, सेंट लॉरेंस रिवर है। ये देखिए ये पार्क भी है, एंजॉय करें, ये रेजिडेंस घर हैं साथ, बड़े बड़े घर हैं पार्क के साथ, देखें एंजॉय कर रही है ना दुनिया। देखें ये देखें ये घर हैं इधर, लोग वॉक करते हैं यहाँ पे, एक साइड पे बाइसाइकिल चलती हैं, दूसरी साइड पे वॉकिंग प्लेस है। और ये देखिए यहाँ से भी वो आपको दिखाते हैं ब्रिज का, वो देखिए पहले ऊपर से दिखाया था, अब नीचे से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बस एंजॉय कीजिएगा व्यू को। ऐसी इंजॉय हो रही है लोगों की, बैठ के इंजॉय कर रही हैं, ऐसी होती है इंजॉय कनाडा में सनशाइन वगैरह के अंदर, जब धूप निकलती है तो लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। वो सामने ब्रिज है, पहले ब्रिज के ऊपर से बना रहा था, ब्रिज के नीचे आ गया तो आपको व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए तो
ये थी दोस्तों मेरी एक वीडियो छोटी सी आपके लिए खूबसूरती कनाडा मॉन्ट्रियल क्यूबेक की। तो चलें अपने दोस्त शकील भट्टी को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।